नमस्कार, मेरा नाम रेणु चौधरी है। आज मैं आपके साथ कक्षा 12 का एक अध्याय डिस्कस करना जा रही हूँ, जिसका नाम है जीवों में जनन। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि जनन क्या है। जनन, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन एक ऐसी जीवन प्रक्रिया है जिसमें हर जीव अपने ही समान नई जीव संतान की उत्पत्ति करता है। जनन का लाभ क्या है? जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है और किसी जीव की मृत्यु होने के बाद भी उस जाति का अस्तित्व मिटता नहीं है, उस जाति का अस्तित्व चलता रहता है, बना रहता है। जनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इससे पहले की जो मेरी प्रेजेंटेशन है, उसमें मैंने अलैंगिक जनन के बारे में पूरा व्याख्यान दिया है। फिर भी आपको एक थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। अलैंगिक जनन, जिसमें जो जनक होता है वो एक ही होता है, कोई भी माता पिता दो जनक नहीं होते, एक ही जीव माता या पिता की तरह काम करता है और अपनी संतान की उत्पत्ति करता है। अलैंगिक जनन के कई भेद हैं, जिनमें से जिनके नाम इस प्रकार हैं: विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्वन, खंडन, बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इन दोनों के बारे में मैंने पहले वाले पीपीटी में पूरा अच्छे से समझाया है। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं, के बारे में व्याख्यान देना चाहूंगी। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन क्या है? अगर हम उसको एक लाइन में या दो लाइन में समझाना चाहें, परिभाषा देना चाहें, तो लैंगिक जनन वो प्रकार है जिसमें जीवों के शरीर से दो प्रकार के विशिष्ट कोशिकाएं, नर और मादा युग्मक बनती हैं, जो एक दूसरे से मिलकर एक संयुक्त कोशिका युग्मनज बनाती है। यह युग्मनज बढ़ने पर नवजीव बन जाता है, जिसमें युग्मक, जिसको इंग्लिश में हम गेमीट कहते हैं। जनन की परिभाषा बहुत ही आसान है, जिसमें दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, नर और मादा युग्मक या गेमीट्स। लैंगिक जनन के बारे में आगे जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लैंगिक जनन के कुछ चरण, कुछ स्टेप्स होते हैं। सभी के जीवन में, चाहे वो जीव, कोई भी जीव हो, चाहे वो एक पौधा हो, चाहे वो जानवर हो, सभी के जीवन में तीन चरण आते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में जुवेनाइल फेस कहते हैं एनिमल्स में, और प्लांट्स में इसको हम वेजिटेटिव फेस कहते हैं। किशोरावस्था में जीव में अवस्था से पूर्व काय के अंडों में वृद्धि होती है और जीव परिपक्वता प्राप्त करता है। मतलब जीव की जो शरीर होता है वो सभी अंग अच्छे से परिपूर्ण विकास होने की अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था की अवधि किसी भी दो प्रकार के जीवों में एक सी नहीं होती है, सब में अलग अलग होती है। इस अवस्था के अंत में जीव में अनेक आकारिक और शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं और वह जीव जनन अवस्था के लिए तैयार होता है। उसके बाद आती है वयस्कावस्था। वयस्कावस्था वो अवस्था है जिसमें वो वयस्क संतान उत्पत्ति के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है, जिसे जीर्णता या जीर्णमान या वृद्धावस्था कहते हैं। सो वयस्कावस्था के खत्म होने पर जीवन के अंतिम चरण में उत्तरोत्तर रूप में अनेक परिवर्तन होते हैं। उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो शरीर में हो जाता है कि हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं, मतलब मेटाबॉलिज्म, बहुत ही धीमी पड़ जाती हैं और धीरे धीरे वो शरीर बूढ़ा होने लगता है और अंत में उस जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ये तीन चरण हैं, जिनमें से जो कि हमारे लैंगिक जनन के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रजनन के जो भी जीव होते हैं उनके भी प्रजनन के दो प्रकार होते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ इंग्लिश में लिखा टाइप ऑफ ब्रीडर्स, मतलब जो संतान उत्पत्ति करते हैं चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हों, उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौसमी, मौसम मतलब जो एक अनुकूल परिस्थिति में निश्चित वातावरण और निश्चित ऋतु में अपने समान संतान को जन्म देते हैं। जैसे कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि आम हमें पूरे साल नहीं मिलता, अमरूद हमें पूरे साल नहीं मिलता, उन फलों के आने का एक निश्चित ऋतु है, उसी ऋतु में हमें वो फल खाने को मिलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं मौसमी प्रजनक। दूसरे होते हैं सतत प्रजनक, कंटिन्यूअस। ये वो जीव होते हैं जो जिनकी व्यवकाशावस्था में जनन जो अवस्था होती है वो जनन के लिए पूरे टाइम सक्रिय होते हैं, उनको हम सतत प्रजनक कहते हैं। जैसे कि हम अधिकांश स्तनधारी मनुष्य बंदर ये सब सतत प्रजनक होते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताना चाहूंगी जनन चक्र। जनन चक्र भी दो तरीके का होता है। जनन चक्र में क्या होता है, जो व्यवकाशावस्था अवस्था है उसमें जो भी जीव हैं उनकी अंडाशय की सक्रियता में कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं, उनका उनके शरीर के हार्मोन्स में भी बदलाव आता है। तो ये जो सब परिवर्तन होते हैं इसको हम जनन चक्र कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मदचक, जो नॉन प्राइमेट एनिमल्स हैं जानवर हैं उनके जनन चक्र को हम मद चक्र कहते हैं, इंग्लिश में उसको ओइस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जो दूसरा चक्र है रज चक्र, जो कि प्राइमेट में होने वाला, जो कि मनुष्यों में होने वाला चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और हिंदी में उसको रज चक्र कहते हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन की अलग अलग घटनाएं जो कि घटती हैं। लैंगिक जनन में जो पूरा एक घटना होती है उसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है निषेचन पूर्ण घटनाएं, दूसरा भाग है निषेचन, तीसरा भाग है निषेचन के बाद की घटनाएं। तो हम ये तीनों घटनाएं एक एक करके देखेंगे और इनके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं निषेचन पूर्ण घटनाएं। निषेचन पूर्ण घटनाएं भी दो भागों में बटा है। सबसे पहले युग्मक जनन, निषेचन इंग्लिश में इसको निषेचन पूर्व घटनाओं को बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन एविडेंस इवेंट्स। सो उसमें युग्मक जनन पहली घटना होती है, युग्मक जनन जिसका मतलब ये है कि उस टाइम युग्मक का निर्माण शुरू हो जाता है। जो युग्मक है उनमें जो गुणसूत्र जिनको इंग्लिश में हम क्रोमोसोम बोलते हैं, जब ये विभाजन होता है तो उन युग्मकों के निर्माण के दौरान वो गुणसूत्र है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से जितने युग्मक उस जीव में होते हैं उसके आधे पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मनुष्य में 46 युग्मक हैं, लेकिन जब युग्मक जनन होता है तो उस युग्मक में 23 युग्मक पहुंचते हैं। इसी तरह से फल मक्खी में 8, मक्का में 20, ये है युग्मक, ये है गुणसूत्र, लेकिन जब युग्मक बनते हैं तो ये उस युग्मक में आधे ही पहुंचते हैं। धान में जैसे 24 युग्मक हैं तो माफ कीजिएगा, धान में 24 गुणसूत्र हैं तो उसके युग्मक में 12 ही गुणसूत्र पहुंचते हैं। तो युग्मक जनन, ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। अब आपको एक बार बताना चाहेंगे कि युग्मक भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार है समयुग्मक जिसको इंग्लिश में होमोजाइगस बोलते हैं। आप समझ सकते हैं सम सम मतलब
समान एक से, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास शैवाल, इनके जो युग्मक होते हैं वो बिल्कुल एक से होते हैं, तो इसलिए उसमें आप कुछ भी अंतर देख के नहीं बता सकते कि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। तो जहां भी नर और मादा युग्मक आकार रूप में पूर्णतया समान होते हैं उसको हम समयुग्मक कहते हैं। दूसरे प्रकार का युग्मक होता है विषम युग्मक। विषम मतलब जो कि अलग-अलग तरीके के होते हैं। जब नर और मादा युग्मक असमान होते हैं तो उन्हें विषम युग्मक कहा जाता है। जो हम जो इंसान है, मनुष्य है, मनुष्य में विषम युग्मक होते हैं। नर युग्मक आकार में छोटा होता है और मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु या अंडा कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है मादा युग्मक और ये है नर युग्मक। आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही छोटा सा आकार है इसका। इसके बारे में आप आगे अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके पहले कि हम और कुछ पढ़ें, पहले हम देख लें जंतुओं और पादपों मीन्स पौधों में लैंगिकता। अब जंतुओं में लैंगिकता, पहले हम जंतुओं के बारे में देख रहे हैं, तो जंतुओं में लैंगिकता दो प्रकार की होती है, एक लिंगिकता द्विलिंगिकता। मतलब वो जीव जिनके शरीर में एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं और वो एक ही प्रकार के युग्मक या तो नर या मादा उत्पन्न करते हैं, उनको एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे हम मनुष्य, नर में अभी आपको जैसे मैंने पीछे वाली स्लाइड में दिखाया कि नर का युग्मक अलग होता है, वो नर में बनता है और मादा वाला युग्मक मादा में बनता है। अब आता है द्विलिंगिकता। द्विलिंगिकता क्या है? वो जीव जिनके शरीर में नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं, केचुआ। जब आप केचुआ आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमें शुरू से पता होता है कि केचुआ एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जीव है जिसमें नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। उसके अलावा और भी उदाहरण है, हाइड्रा, स्पंज, फीताकृमि आदि। अब देखते हैं पौधों में लैंगिकता। इनमें भी इसी तरीके से लैंगिकता अलग अलग होती है। एक लिंगी पुष्प मतलब पुष्प में या तो पुंकेसर मतलब नर वाले युग्मक या स्त्री केसर या मादा वाले युग्मक पाए जाते हैं। तो ऐसे पुष्पों, पुष्प पुष्प की बात कर रहे हैं अभी हम, ऐसे पुष्पों को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। इसके उदाहरण है मक्का, नारियल, पपीता, शहतूत आदि। अब देखते हैं द्विलिंगी पुष्प। बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनमें नर पुंकेसर और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जो पौधों का नर युग्मक होता है वो, चलिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। अब इसके बाद देखते हैं एक लिंगाश्री पादप, जिस पादप पर एक ही तरीके के पुष्प पाए जाते हैं उसे एक लिंगाश्री पादप कहते हैं। और ऐसा पादप जिसमें दोनों प्रकार के पुष्प नर मादा पाए जाते हैं उसको हम द्विलिंगाश्री पादप कहते हैं। इनमें एक और चीज है, शैवालों में जब एक ही थैलस पर नर और मादा जननांग पाए जाते हैं इनको हम समथैलस कहते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के हिसाब से भी और आपके समझने के लिए भी। इन्हीं सब चीजों के बारे में जब अगला चैप्टर, अगला अध्याय शुरू किया जाएगा तो उसमें पौधों का प्रजनन, उसके बाद जीवों का प्रजनन, वो सब आपको पूरे विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब निषेचन से पहले के जो भी
घटनाएं घट रही हैं, उसमें पहला हुआ युग्मक जनन, युग्मक बन गए। अब उसके बाद उन युग्मकों को वहां से दूसरी जगह पहुंचाना भी है, तो उसको हम कहते हैं युग्मकों का स्थानांतरण या परिवहन। इसमें क्या होता है, इसमें नर और मादा युग्मक एक दूसरे के नजदीक पहुंचते हैं, उसको हम युग्मकों का स्थानांतरण कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको मैंने पहली वाली स्लाइड में दिखाया था कि जो नर युग्मक है वो बहुत ही पतला सा और धागे की टाइप का होता है, तो वो एक्चुअली बहुत ही चंचल होता है, वो गति वाला होता है, जबकि जो मादा युग्मक होती है वो अचल होती है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मनुष्यों का है, मनुष्यों में जो नर युग्मक जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं वो बहुत ही गतिशील होता है, और मादा युग्मक जिसको इंग्लिश में एग कहते हैं वो अचल होता है। कुछ शैवालों में नर और मादा दोनों युग्मक गतिशील होते हैं। अब निषेचन क्रिया, निषेचन इंग्लिश में इसका मीनिंग है फर्टिलाइजेशन। अब जब युग्मक स्थानांतरण हो गया है, मतलब वो किसी तरीके से एक दूसरे के पास पहुंच गए हैं, तो उसके बाद उन युग्मकों का आपस में मिलना है। उसके लिए बहुत सारे जीवों में जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है, पौधों में भी और जीवों में भी, जानवरों में भी जलीय माध्यम, जल की आवश्यकता होती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप देख सकते हैं मेंढक में होता है। मेंढक में नर और मादा मेंढक अपने अपने युग्मक को पानी में एक जगह छोड़ देते हैं, और जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के पास पहुंचकर वहां निषेचन की क्रिया करते हैं। अब पानी में होने की वजह से बहुत सारे नर युग्मक पानी से बह जाते हैं, पानी के बहाव से, नहीं तो उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, वो खा जाते हैं, तो इसलिए नर युग्मक बहुत ज्यादा नंबर में बनते हैं, तो इसीलिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है बहुत सारे जानवरों में और बहुत सारे पौधों में भी। अधिकांश पादपों जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आदि में नर युग्मक जलीय माध्यम में गति करके मादा युग्मक तक पहुंचता है। उच्च पादपों में पराग की क्रिया, जो उच्च पादप मतलब जो ऊपर की कैटेगरी वाले पौधे हैं उनमें पराग पॉलिनेशन की क्रिया पाई जाती है। पराग मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पराग कण बनते हैं, उनके अंदर नर युग्मक होता है, तो वो पराग कण किसी ना किसी और माध्यम से, वो माध्यम पानी भी हो सकता है, वो माध्यम हवा भी हो सकता है, वो माध्यम पानी और हवा ही ज्यादातर होते हैं, बारिश भी हो सकता है, तो उसकी वजह से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, और उसके बाद वहां पर निषेचन की क्रिया होती है। आइए अब देखते हैं निषेचन, जिसको मैंने अभी बताया इंग्लिश में उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नर और मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया, संयोजन जिसको इंग्लिश में कहेंगे फ्यूजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इससे द्विगुणित, आप हमने पहले अभी बताया था आपको कि जब ये युग्मक बनते हैं तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नर युग्मक में आधी, मादा युग्मक में आधी, तो जब ये निषेचन होता है तो दोनों के गुणसूत्र उसमें आ जाते हैं, तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज इज जाइगोट इन इंग्लिश। इस प्रकार का निषेचन हेतु जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, जैसे क्योंकि स्थानांतरण मतलब पानी की वजह से या हवा की वजह से बहुत सारे नर युग्मक नष्ट हो जाते हैं। निषेचन में एक और भी तरीका है जिसको हम अनिषेचक जनन बोलते हैं। बिना निषेचन की क्रिया के अनिषेचक जनन कहा जाता है उसको। इसमें क्या होता है, इसमें जो मादा युग्मक है वो नर युग्मक के साथ संयोजन करे बगैर ही
युग्मनज में बदल जाता है। कुछ कुछ होती हैं छिपकलियां जो इस चीज में पाई जाती हैं, जो बगैर निषेचन की क्रिया के मादा युग्मक से ही संतान उत्पत्ति कर लेती है। सो उसको हम नॉन फर्टिलाइजेशन या पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको अनिषेक जनन बोला जाता है। अब आते हैं कि निषेचन के बाद वाली घटनाएं। अभी तक हमने देखा निषेचन पूर्व घटना है, निषेचन और निषेचन के बाद वाली घटना है। अब निषेचन में क्या हुआ? निषेचन में नर और मादा युग्मक का संयोजन हुआ, तो उससे हमें क्या बना? युग्मनज बना। युग्मनज बना, अब वो युग्मनज उसके बाद उसमें बहुत सारी कोशिकाओं का विभाजन शुरू होता है। उस विभाजन वाले प्रोसेस को, प्रक्रिया को माइटोसिस कहा जाता है। उसमें जो भी सेल होती हैं, 102, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनती जाती हैं, और धीरे 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 उसमें जो बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, धीरे धीरे वो कोशिकाएं अपने अपने टाइम के साथ, धीरे धीरे समय के साथ वो अलग अलग अंगों का निर्माण शुरू कर देती हैं। तो उससे भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और धीरे धीरे वही कोशिकाएं अलग अलग शरीर के अंगों का निर्माण करती हैं, और एक नया जीव तैयार हो जाता है। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा, युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से नया जीव, जाइगोट एम्ब्रियो एंड ऑफस्प्रिंग, नया जीव संतान। अब कोशिका विभाजन का जो है वो दो कारणों पर डिपेंड करता है, एक तो पर्यावरण, दूसरा जीव का जीवन चक्र। कितना टाइम का जीवन चक्र क्या है, उसके हिसाब से कोशिकाएं आपस में आगे चल के जैसे भी उनको विभाजन होना है। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया हुआ है, शैवालों में युग्मनज पर एक मोटी भित्ति बन जाती है, एक मोटी भित्ति जिसे बोलते हैं एक कवर बन जाता है, जिससे कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसके युग्मनज का रक्षा करता है, और उसके अंदर वो युग्मनज आराम से रह सकता है जब तक कि उस युग्मनज को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती हैं। जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो वो नई संतति को जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है। पुष्पी पादपों में निषेचन पक्ष घटनाएं क्या होती हैं? देखिए, निषेचन हो गया, नर और मादा युग्मक का निषेचन हो गया, उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसमें क्या होता है? पुष्प में आपको पता है कि बाहर के अलग अलग तरीके के दल होते हैं उसमें, पिंक जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की, जिनको इंग्लिश में सेपल बोलते हैं, उसके अंदर अगला रंगीन पत्तियां होती हैं जिसको पेटल बोलते हैं, जिससे कि फूल बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन जब ये निषेचन हो जाता है, उस निषेचन के बाद ये जो दोनों ही दल हैं ये झड़ जाते हैं। उसके बाद सिर्फ जो स्त्री वाला जहां पे निषेचन हुआ है, सिर्फ वही पार्ट रह जाता है, बाकी सारे पार्ट उसके जितने भी अलग अलग दल हैं वो सारे के सारे सूख के झड़ जाते हैं। और जो जहाँ पे ये परागकण, और परागकण के अंदर से जो भी नर युग्मक पहुंचा है नीचे अंडाशय में जाकर, वहां पे जो जब भी निषेचन हुआ है उसके बाद अंडाशय से फल बन जाता है, जो अंडाशय की भित्ति है वो फल भित्ति, ताकि उसको अच्छे से संभाल के रख सके। एक फल भित्ति बन जाती है, जो बीजांड है उससे बीज का विकास हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे जो फल हैं वो तैयार होते हैं, जो फल हम खाते हैं, चाहे वो सेब हो, चाहे वो अमरूद हो, और बीज विकर्ण के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने आज वाले जो भी पीपीटी था उसमें मैंने आपसे
लैंगिक जनन के बारे में आपको समझाया। इससे पहले वाले मेरा जो पीपीटी था उसमें मैंने अलैंगिक प्रजनन और कायिक प्रवर्धन के बारे में पूरा विस्तार से समझाया है, और इसके बाद भी कोई भी अगर आपको शंका होगी तो वो मैं अगले पीपीटी में जब आएंगे तब मैं आपको अच्छे से दोबारा समझाऊंगी। कोई भी अगर इसमें से आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।